दोस्तों कैसे हैं आप सभी। चलिए शुरू करते हैं। आज नया टॉपिक देख सकते हैं जो कि नया पेपर है। ये 7 जून 2022 का है। ये पेपर आप लोगों के सामने में है, देख सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। जो भी आज का रिलेटेड, बिहार से रिलेटेड जितना भी करंट होगा वो हम लोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पेज देख सकते हैं आप लोग के सामने में है। बेटी को उसके पति ने जहर देकर मार डाला, न्याय चाहिए। ये सीएम जनता दरबार की कहानी है। ये सब हम लोग के लिए नहीं किया है कृपया मुख्यमंत्री। चलिए भूमि सर्वेक्षण पर जुड़े संविदा कर्मी काम पर नहीं लौटे तो होगी दंड की कार्रवाई। ये भी नहीं हम लोग के लिए। फास्ट पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रही तंबाकू, इसको एक नजर हम लोग देख लेते हैं, देख सकते हैं। फास्ट मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि तंबाकू उत्पादों के प्लास्टिक की वजह से स्वास्थ्य के साथ पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। सिगरेट गुटखा जैसे तमाम तंबाकू उत्पादक प्लास्टिक में पैक होते हैं जिन्हें रिसाइकल नहीं किया जा सकता है। इस वजह से पर्यावरण पर हर रोज हजारों टन प्लास्टिक कचरे के बोझ बढ़ता जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं मंत्री सोमवार को स्वास्थ्य समिति में तंबाकू नियंत्रण को लेकर बेहतर कार्य करने वाले जिलों को सम्मिलित कर रहे हैं। मंत्री पांडे ने कहा है कि राज्य सरकार तंबाकू के नियंत्रण के लिए कई कार्यक्रम गतिविधियां चला रही है। अब तक 23 जिला प्रशासन ने जिले को तंबाकू मुक्त घोषित किया है। कितना? 23 जिला को। यहाँ पे देख सकते हैं अब बिहार में टोटल कितना है जिला, तो आप लोगों को भी पता है कितना है, 38 है। इनमें से 13 जिले पूर्व में सम्मानित हो चुके हैं। आज 10 जिलों को सम्मानित किया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निर्देशक संजय कुमार ने अतिथि को स्वागत किया है। इन जिलों को क्या गया, देखिए कौन कौन सा जिला को किया गया है वो देख सकते हैं। यहाँ पे अरवल, गया, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, पूर्णिया, जमुई, शेखपुरा। इसके साथ ही आपको देख सकते हैं जो कि यहाँ पे सीड्स को भी सम्मानित किया गया है इसके तहत, इसको सीड्स को। तो चलिए ये हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, उतना है नहीं तो पर भी, क्योंकि ये पहले से ही चला आ रहा है तो इसीलिए उतना कर नहीं सकते, मगर एक नज़र देखने में कोई हर्ज नहीं है दोस्तों। 33 जिलों को शिक्षण संस्थान तंबाकू मुक्त होंगे, चलेगा अभियान। स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग संयुक्त रूप से 33 जिलों के शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त घोषित करने के लिए बड़ा अभियान चलाएगा। 5 जिलों में शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त करने के लिए चलाए गए पायलट प्रोजेक्ट की सफलता को देखते हुए। कौन सा प्रोजेक्ट, तो ये हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है तंबाकू को हटाने के लिए, तंबाकू मुक्त बनाने के लिए जो है वो कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है। देखते हुए अन्य जिलों को इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की तैयारी है। स्वास्थ्य विभाग ने शिक्षा विभाग के साथ समन्वय कर 5 जिलों पटना के साथ ही दरभंगा, सुपौल, मुंगेर और लखीसराय में सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तंबाकू मुक्त के प्रयास किए गए। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले कहाँ कहाँ चलाया गया है, पटना, दरभंगा, सुपौल, मुंगेर और लखीसराय में पायलट प्रोजेक्ट योजना चलाया गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट के तरफ देखते हैं। तो आगे का देख सकते हैं जो कि यहाँ पे फिर हम लोग मेन पेज पे आ गए हैं, मेन पेज पे देख सकते हैं। और जो भी यहाँ पे है, पटना आने से पहले सीएम आवास पहुंचे नितिन गडकरी, ये तो हम लोग के लिए काम का नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं आरपी सिंह ने यंत्रीकृत हीरे का खान का निरीक्षण किया। चलिए एक नज़र इसको देख लिया जाए, वैसे वो है नहीं कोई ज़रूरी, तो पर भी एक नज़र डालने में कोई हर्ज नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री जो है, केंद्रीय इस्पात और मंत्री आरसीपी सिंह ने सोमवार को मध्य प्रदेश के पन्ना में एशिया का एकमात्र यंत्रीकृत हीरे की खान का निरीक्षण किया। पन्ना जिले में पारसी जनजाति के लोगों से उनकी जीवन शैली के बारे में बात की। यह पूछा कि सरकार कार्यक्रम से उनकी जीवन शैली किस तरह का बदलाव आया है। इस्पात मंत्री ने पन्ना में खनन के सिलसिले में NMDC के अधिकारियों एवं कर्मियों के साथ समीक्षा बैठक की है। कहा कि पर्यावरण और विकास के साथ साथ चलने चाहिए। इस कार्यक्रम में जानकारी दी गई कि हाल ही में हुई नीलामी में इस खाद्यान्न से प्राप्त हीरे की बिक्री से 52 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है दोस्तों, तो देख सकते हैं। वैसे ये इम्पोर्टेंट है नहीं तो पर भी एक नज़र देखने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिर हम लोग मेन पेज पे आके देखते हैं जो कि और। तो अब देख सकते हैं अक्टूबर से न्यूनतम मजदूरी में 15% की बढ़ोतरी होगी, ये एक नज़र हम लोग को देख लेना चाहिए।
अक्टूबर से संजय के सॉरी अक्टूबर से राज्य के सभी असंगठित अकुशल अर्ध कुशल कुशल एवं अति कुशल श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी में 15% का जो है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मजदूरी में 15% की बढ़ोतरी होगी। यदि सरकार द्वारा तय मजदूरी से किसी नियोक्ता ने कम भुगतान किया तो लिखित शिकायत मिली तो नियोक्ता पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। श्रम संसाधन और अधिसूचना मंत्री जीवेश कुमार ने सोमवार को इसकी जानकारी दी है। तो कितने प्रतिशत की मजदूरी बढ़ाई जा रही है? न्यूनतम 15% की। यहाँ पे देख सकते हैं जीवेश कुमार ने बताया कि बाजार स्तर पर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को ज्यादा मजदूरी मिल रही है, लेकिन अभी सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी कम है। इसे ध्यान में रखते हुए विभागीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी परामर्शदात्री समिति ने श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह अक्टूबर से प्रभावी होगा। कब से होगा? अक्टूबर से। प्रस्ताव के तहत पहले से प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की मूल दर एवं महंगाई भत्ते को शामिल करके उस पर 15% अतिरिक्त आर्थिक लाभ श्रमिकों को देना अनिवार्य किया गया है। यह लागू होने पर सामान्य कार्य लेने पर किसी भी श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी बढ़कर अब हो गया है 366 रुपये प्रतिदिन हो जाएगी। यदि किसी मजदूरी की 30 दिन के लिए काज पर रखा जाता है तो उसका मासिक श्रमिक 11,000 रुपया होगा। दोस्तों तो देख सकते हैं ये जो है अब काम न्यूनतम मजदूरी 15% बढ़ा दिया गया है और ये आपको 366 रुपया प्रतिदिन हो गया है, और यदि मासिक में आप रख रहे हैं तो 11,000 रुपया उसको देना होगा, उससे कम नहीं। अब आप देख सकते हैं यदि आप उससे कम देते हैं तो कानूनी कार्रवाई होगा, यदि वो लिखित शिकायत कर दिया तो। वैसे भी जानते ही हैं लिखित शिकायत बहुत कम ही लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो हम लोग के लिए है ज्यादा जरूरी कारगर, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे शराब पकड़ने से सारण गिरफ्तार, ये पर हम लोग के लिए नहीं है। जेल पहले से ही हाउसफुल, 51,000 वारंटी अभी भी है फरार, समझ सकते हैं क्या स्थिति है। तो चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज देख सकते हैं। गांधी सेतु की पूर्वी लेन का आज लोकार्पण करेंगे नीतीश कुमार और गडकरी। तो चलिए इसको एक नजर देख लिया जाए। देख सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को 15 राष्ट्रीय उच्च मार्ग परियोजनाओं के लोकार्पण का शिलान्यास करेंगे। इस परियोजना को सीमांक समेकित लागत जो है आपको 13,585 करोड़ रुपया है। जिन परियोजना का उद्घाटन होना है उनमें सबसे महत्वपूर्ण उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच लाइफलाइन गांधी सेतु की पूर्वी लेन शामिल है। कुल 6 किलोमीटर लंबाई में इसकी सुपर स्ट्रक्चर रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट पर 1,742 करोड़ रुपये का खर्च आया है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन व विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी है। पथ निर्माण मंत्री ने बताया है कि छपरा से गोपालगंज के बीच 2 लेन विकसित 94 किलोमीटर सड़क का भी लोकार्पण होगा। आप देख सकते हैं इन परियोजना का भी होगा शिलान्यास। कौन कौन है फिर देख लेते हैं एक नजर। मुंगेर भागलपुर मिर्जा चौक पर 4 लेन ग्रीड फील्ड सड़क की लंबाई जो है 124 किलोमीटर और लागत जो है इसका 5,788 करोड़ रुपया। औरंगाबाद से चोरदाहा मतलब झारखंड सीमा में पड़ता है चोरदाहा, यहाँ पे देखते हैं 6 लेन का सड़क परियोजना है। इसका सड़क 70 किलोमीटर लंबा है, इसकी लागत जो है 1,508 करोड़ रुपये की है। देख सकते हैं बेगूसराय शहर में 4 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर, इसकी लंबाई 4 किलोमीटर है, लागत है 256 करोड़। चौथा देखते हैं कायम नगर से आरा शहर तक 4 लेन सड़क है, इसकी लंबाई 9 किलोमीटर है, लागत है 98 करोड़। वैसे ये पर हम लोग से पूछा नहीं जाएगा मगर तो पर भी एक नजर देखने में कोई हर्ज नहीं है। जयनगर बाईपास पर 2 लेन अप्रोच रोड के साथ ROB, इसकी लंबाई जो है 1 किलोमीटर, लागत है 70 करोड़ रुपया। उन्नाव से भेजा तक 2 लेन का फर्क है, इसकी लंबाई 89 किलोमीटर है, औसत लागत जो है इसका देख सकते हैं 1,614 करोड़ रुपया है। पुरानी मुंगेर मिर्जा चौक सड़क, इसकी लंबाई जो है 108 किलोमीटर है और लागत जो है 1,044 करोड़ रुपया है। गोपालगंज शहर में 4 लेन है, एलिवेटेड फ्लाईओवर है, ये लंबाई इसका 3 किलोमीटर, लागत है 185 करोड़ रुपया। पटना एम्स से नौबतपुर के बीच जो है अतिरिक्त 2 लेन सड़क है, इसकी लंबाई 11 किलोमीटर, लागत है 88 करोड़ रुपया। दोस्तों तो देख सकते हैं ये पर हम लोग को नहीं पूछा जाएगा, ये पूछ सकता है जो कि नीतीश कुमार के पास जो है कौन थे जो
गांधी सेतु पुल का जो उद्घाटन हुआ था उसको लेके, तो ये क्वेश्चन बन सकता है और कुछ नहीं बन सकता है उसमें। किसी भी उपेक्षा करने के लिए नहीं जाति आधारित गणना, चलिए इसको देख लेते हैं क्योंकि ये बार बार अभी न्यूज में रह रहा है, तो इसको देखा जाए, एक नजर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा कि जाति आधारित गणना किसी की उपेक्षा करने के लिए नहीं, इसके माध्यम से वह किसी भी नेगलेक्ट नहीं करेंगे, सभी का ध्यान रखेंगे कि उद्देश्य से यह गणना की जा रही है। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत के क्रम में उन्होंने यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि जाति आधारित गणना के माध्यम से, यहाँ पे देख सकते हैं, एक सेकेंड, हाँ देख सकते हैं, जाति आधारित जनगणना के माध्यम से ही ये जो कह रहे हैं, तो देख सकते हैं जाति आधारित जनगणना के माध्यम से ही उन लोगों को आर्थिक स्थिति को बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा जिनकी स्थिति ठीक नहीं है। किसी भी जाति धर्म के जो लोग हैं, लोग हो, सभी के बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी। जनसंख्या नियंत्रण कानून की चर्चा के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून बना देने से जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगी, वैसे सभी को अपने अपने विचार हैं, कानून से कोई फायदा नहीं होने वाला है। चीन में तो एक बच्चे का कानून था लेकिन बाद में उसे दो किया है और कुछ जगहों पर तो यह तीन पर आ गए हैं। काम ऐसा किया जाए कि जनसंख्या नियंत्रण सभी के स्वभाव में आ जाए। बिहार जैसे गरीब राज्य ने लड़कियों को शिक्षित कर जनसंख्या वृद्धि दर को 4 से घटाकर 3 पर ला दिया है। 5 साल में हम इसे 2 पर ला पहुंचा देंगे, ये 5 साल में ये बोल रहे हैं। देखा जाए समस्तीपुर में 5 लोगों की आत्महत्या के बाद पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि घटना की काफी दुखद है, प्रशासन में लोगों को देख रहा है कि आखिर क्या घटना है। तो आप लोगों को भी पता है जो कि क्या हुआ है समस्तीपुर में, वो उसको लेकर के सामान्य प्रशासन विभाग में जाति आधारित गणना के लिए जारी की अधिसूचना, चलिए इसको भी एक नजर देख लेते हैं। जाति आधारित गणना का काम अगले वर्ष फरवरी तक पूरा हो जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को इस आशा की अधिसूचना जारी की है। इस गणना के क्रियान्वयन में खर्च होने वाले 500 करोड़ रुपए के प्रावधान आकस्मिकता निधि से किया जाएगा। जाति आधारित गणना के लिए सामान्य प्रशासनिक विभाग एवं जिलाधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत एवं उच्च स्तरों पर विभिन्न विभागों के अधीनस्थ कार्य करने वाले कर्मियों को की सेवा ली जाएगी। जाति आधारित गणना की प्रगति के से समय समय पर विभिन्न राजनीतिक दलों को अवगत कराया जाएगा। तो देख सकते हैं अब क्या होगा, वो तो देखते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे का, देख सकते हैं अब इस पेज में तो और कुछ नहीं, नेक्स्ट पेज हम लोग चलते हैं। ये चलिए अगला पेज फिर हम लोग देखते हैं, इसमें तो एडवर्टीजमेंट ही है। हाँ ये देख सकते हैं आप, चलिए देख सकते हैं अभी का जो ये न्यूज है वो काफी ही तुल पकड़ लिया है। तो ये तो है वैसे नेशनल इंटरनेशनल न्यूज, मगर तो पर भी एक नजर देख लिया जाए क्योंकि अभी ये काफी तुल पकड़ा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं भारत ने दुष्प्रचार करने पर OIC और पाकिस्तान को लगाई फटकार। यहाँ पे देखिए भाजपा से निलंबित नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद के बारे में की गई टिप्पणी को लेकर खाड़ी के कई देशों ने भारत सरकार के समक्ष अपनी नाराजगी जाहिर की है। रणनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण कतर, कुवैत, ईरान, सऊदी अरब और बहरीन जैसे देशों के समक्ष भारत ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि व्यक्तिगत टिप्पणी को तुल नहीं दिया जाना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये कुछ ज्यादा ही पकड़ लिया है तुल, क्योंकि आज तो संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख भी इस पे टिप्पणी किए हैं, तो इसीलिए देख सकते हैं। लेकिन इस विवाद की आड़ में भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर दुष्प्रचार की कोशिश में जुटे इस्लामिक देशों के संगठन OIC और इसके प्रमुख सदस्य पाकिस्तान को भारत ने कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने कहा है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर उसे पाकिस्तान और OIC से सीखने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को खास तौर पर भारत ने झाड़ लगाई है कि वह प्रोपगंडा करने की जगह अपने देश में अल्पसंख्यकों की स्थिति सुधारने पर ध्यान दे। रविवार को कतर, कुवैत, ईरान ने अपने यहां भारतीय राजनयिकों को अपमान कर अपने देश की नाराजगी से अवगत कराया था। इसके बाद सऊदी अरब, ओमान, बहरीन ने सख्त टिप्पणी जारी कर अपनी नाराजगी जताई थी। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भी इस तरह का बयान जारी किया है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों तो ये कुछ ज्यादा ही अभी तुल पकड़ लिया है। यहाँ पे OIC की टिप्पणी अनुचित और संकुचित, चलिए इसको भी एक नजर देख लिया जाए। यहाँ पे OIC की टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत सरकार OIC की
अनुचित और संकीर्ण सोच वाली टिप्पणी को सिरे पे खारिज करती है। जिन टिप्पणियों का जिक्र किया गया है वह व्यक्तिगत स्तर पर किया गया है और वह भारत सरकार का किसी भी तरह से विचार नहीं है। इन व्यक्तियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। यह दुर्भाग्य की बात है कि ओआईसी सचिवालय कुछ स्वार्थी तत्वों के जरिए विभेदीकरण एजेंडे को बढ़ावा दे रहा है। ओआईसी को सभी धर्मों का एक समान सम्मान देना चाहिए। विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि जिन देशों ने भारत सरकार के समक्ष अपनी बात रखी, यहाँ पे देख सकते हैं बात रखी है, उनका ही जवाब दिया जा रहा है। अब देखिए, कुवैत के सुपर बाजार ने भारतीय सामान हटाए अपने मार्केट से, मतलब वहाँ पे जो मार्केट में जो भारतीय सामान लगता था उसको हटा दिया गया है। तो अभी ये मामला बहुत ही तूल पकड़ा है दोस्तों, तो इसीलिए इसको देखना बहुत जरूरी है। हो सकता है आने वाले समय में, नेक्स्ट देखते हैं, भंगी की जाएगी रेलवे की 5 टेररिज्म आर्मी इकाई। यहाँ पे बम, वाराणसी बम धमाके में आतंकी की फांसी की सजा। अग्नि 4 का क्या रात्रि परीक्षण, पाक चीन रेंज, देख सकते हैं ये हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको एक नज़र देख लिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सोमवार को परमाणु आयुध ले जाने के सक्षम मध्य रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। 4000 किलोमीटर प्रहार करने में सक्षम यह मिसाइल जमीन से जमीन प्रहार करती है। अग्नि जो है वो जमीन से जमीन है, सरफेस टू सरफेस। इस तरह यह मिसाइल मात्र 20 मिनट में चीन और पाकिस्तान के किसी भी शहर को ध्वस्त कर सकती है। 20 मीटर लंबी, 1.5 मीटर चौड़ी तथा 17 टन वजन की यह मिसाइल 1000 किलो वजन का विस्फोटक ले जाने में की क्षमता रखती है। सोमवार को इसे मोबाइल लॉन्चर के जरिए छोड़ा गया। बता दें कि इस मिसाइल का पहला परीक्षण 11 दिसंबर 2010 को किया गया था, सोमवार शाम उड़ीसा के चांदीपुर में स्थित अब्दुल कलाम द्वीप से। LC-4 मिसाइल परीक्षण के वक्त रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, मतलब DRDO के वरिष्ठ वैज्ञानिकों और अधिकारियों का दल मौजूद था। इसका कई बार सुबह, दोपहर, शाम, रात में सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, यही है अग्नि 4। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हम लोग। ये नेशनल न्यूज है, क्योंकि नेशनल न्यूज भी अभी बहुत ही कारगर चल रहा है, तो इसीलिए इसको लेना अभी जरूरी है। संघ प्रमुख ने स्वयं सेवकों को कराया दायित्व बोध। यहाँ पे जनसंख्या को गलत आंकड़ों से छुपा रहा है चीन, ये सब देश 1 करोड़ से ज्यादा छात्र बनेंगे दक्ष, ये तो हम लोग के लिए नहीं है। जो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है उसी को देख सकते हैं हम लोग। प्रोत्साहन राशि के लिए कॉलेज के बजाय पोर्टल पर करे आवेदन RRB, ये तो सवेरे हम बनाए ही थे, वही वाला है सारा का सारा। वेटनरी कॉलेज में ये देख सकते हैं शिक्षकों का, तो ये हम लोग के लिए। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं, देख सकते हैं एयरपोर्ट पर अब मिलेगा लजीज व्यंजन। यहाँ पे चलिए एक नज़र देख लिया जाए, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, चलिए एक नज़र देख ही लेते हैं, देख सकते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर नवनिर्मित VIP लाउंज का पटना साहिब के सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार के शाम उद्घाटन किया। लाउंज आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इसकी दीवारों पर मधुबनी पेंटिंग की गई है। यहाँ पेंट्री रूम भी में की भी व्यवस्था है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पटना एयरपोर्ट पर अच्छी सुविधा विभाग की प्रतिबद्धता है। एयरपोर्ट पर नई टर्मिनल बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग व अन्य भवन का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण कार्य अगले साल दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। नए भवन में अत्याधुनिक सुविधाएं जुटाई जाएगी ताकि हवाई यात्रियों को सफर में बेहतर और नया अनुभव प्राप्त हो सके। निर्माण में करीब 1200 करोड़ रुपए का खर्च है। एयरपोर्ट डायरेक्टर अंचल प्रकाश ने बताया कि पहले एयरपोर्ट को बैगेज बेल्ट एरिया में एक VIP लॉज था। यात्रियों की बढ़ती संख्या को मद्देनजर नए VIP लॉज बनाने की जो है योजना बनाई गई। इसमें एक साथ 15 VIP बैठ सकते हैं। मौके पर एयरपोर्ट अथॉरिटी के GM प्रोजेक्ट TN विजयन ज्वाइंट, अब ये जो जितना भी उसका है सारा को सारा था, तो ये हम लोग के लिए उतना कारगर है नहीं, तो पर एक नज़र देख लेने में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विशेष प्रशिक्षण के बाद भी पुलिस पर भारी साइबर अपराध, रोज लगा रहे खाते में सेंध, तो ये तो भाई साहब क्या कहा जाए। तो आप लोगों को भी पता ही है जो कि क्या बुरा स्थिति है, फर्जी इतना कॉल आता है जो, इसीलिए इसको तो गवर्नमेंट को बहुत ही सही तरीके से करना चाहिए। इस पे ये देख सकते हैं बाकरगंज में पाइप फटने पे, ये तो हम लोग के लिए नहीं है, ये फिर वहाँ का लोकल है न्यूज़ जो भी है।
डीएम पीड़ित बच्चों के लिए आईजीएम लिवर ड्यूटी ट्यूमर ऑपरेशन ये छोड़ सकते हैं पटना में उपमा छोड़ने पे। अब गर्मी तो इतना ही है तो क्या किया जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज हम लोग देख सकते हैं, नेक्स्ट न्यूज देख सकते हैं। मखान से किसानों की कमाई और उद्योगियों की आय की बढ़ी आय, यहाँ पे देख सकते हैं। मखाना के लिए जो है तो आप लोगों को भी पता है जो कि दरभंगा मधुबनी ये बहुत ही फेमस है, तो चलिए इसको एक नज़र देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मिथिला का मखाना किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के साथ साथ रोजगार भी उपलब्ध करा रही है। देश से लेकर विदेश तक के बाजार में इसकी मांग है। इसका प्रोसेसिंग और विभिन्न तत्व तो उत्पाद बनाने के लिए जो है तो कई औद्योगिक इकाई लगी है। इसका लाभ किसानों से लेकर उद्यमियों तक को मिल रहा है। ये देख सकते हैं यही है, प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होने से समस्या समाधान किसान कर रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं ये ऐसा ही है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे 8 डिपो में लागू होगा GA टेक्सटाइल व लेदर पॉलिसी, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। यहाँ पे ये भी देख सकते हैं ऐसा कुछ ये न्यूज अभी है नहीं जिसको देखा जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यदि ऐसा कुछ भी न्यूज रहता है तो आप लोग के साथ जरूर ये करेंगे। 1.74 लाख परिवारों तक पहुंची राहत, सीएम ने कहा है। चलिए ये क्या है ये एक नजर देख लिया जाए। बीते साल बाढ़ से हुई तबाही को देखते हुए संभावित बाढ़ से बचाव का अग्रिम प्रबंधन सभी विभागों ने कर लिया है। 15 जून तक प्लान को मूर्त रूप जो है नहीं देने वाले पदाधिकारियों पर जो है तो आप देख सकते हैं जिम्मेदारी तय की जाएगी। 9 गोताखोर, राहत शिविर, राशन, दवा, पशु चारा, डॉक्टर, एम्बुलेंस के साथ आवश्यक सामग्री का प्रबंध समस्त समय रहते कर लें। जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सोमवार को बाढ़ आपदा राहत कार्य के लिए अग्रिम प्रबंधन की समीक्षा बैठक में निर्देश दिया। तो ये देख सकते हैं बिहार के लिए ये आम बात है, हर एक साल बिहार में बाढ़ तो आना तय ही है, तो उसी के लिए जो है तो समीक्षा कर रहे हैं वहाँ के DM हर एक डिस्ट्रिक्ट के, जो कि भाई सब कुछ सही सलामत रहे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं न्यूज, सोना लूटकर वो तो बेंगलोर में भीड़ ने निपटेगी क्लोन संघमित्रा। यहाँ पे देख सकते हैं अब NTPC से संबंधित बिजली आपूर्ति कोयला बाधक ये भी नहीं है। इंडियन बैंक पर्यावरण दिवस पर कार्मिकों को दिलाई शपथ। तो देख सकते हैं ये सब सारा न्यूज है दोस्तों। और अब हम लोग देखते हैं 1 एकड़ से कम क्षेत्र वाले तालाब नहीं बनेंगे अमृत सरोवर, 75 का होगा चयन। यहाँ पे देख सकते हैं अमृत सरोवर जो योजना चल रहा है जिसमें तालाब बनाने का योजना है उसी के बारे में ये है। 14 को कांस्य काव्य रस गीत गजल की महफिल, ये कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री ने बढ़ाया देश की महिलाओं का मान, उत्कृष्ट कार्य को मिला सम्मान। चलिए इसको देख लिया जाए एक नजर। देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की महिलाओं को मान सम्मान और उनके स्वाभिमान को बढ़ाया है। देश के हर क्षेत्र में महिलाएं उत्कृष्ट कार्य के सम्मान पा रही है। महिला मोर्चा की ओर से प्रदेश के साथ साथ बिहार के सभी जिलों में सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण पर कार्यक्रम किया जा रहा है। ये बातें बिहार भाजपा से सह प्रभारी हरीश द्विवेदी ने सोमवार को रविन्द्र भवन परिसर में कहा। भारतीय जनता पार्टी ने के महिला मोर्चा बिहार की ओर से प्रधानमंत्री के कार्यकाल के 8 वर्ष पूरे होने पर महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कौन है भाई लाजवंती झा की अध्यक्षता में सेवा सुशासन एवं गरीबी कल्याण कार्यक्रम के तहत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन पर पटना साहिब सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलाकर प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक कार्य किया है। डिजिटल इंडिया के तहत कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि भाजपा की सरकार निरंतर उद्योग को बढ़ावा देने में जुटी है। आत्मनिर्भर भारत तथा आत्मनिर्भर बिहार बनाने के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। महिलाओं को उद्यमी की योजना के तहत 10 लाख लोन मिला है। बहुत जल्द ही महिलाओं को मिलने वाली लोन में सब्सिडी दी जाएगी। देख सकते हैं रेणु देवी उप मुख्यमंत्री जो बिहार की है उन्होंने कहा भाजपा की सरकार में महिलाओं का सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। कार्यक्रम के दौरान पंचायत प्रतिनिधि महिला उद्यमी वार्ड परिषद उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। मंच पर संचालक प्रदेश मीडिया प्रभारी ये उनका नाम है तो देख सकते हैं ये हम लोग के लिए नहीं है तो यही है। देखो पंचायती राज में महिलाओं को मिला आरक्षण, ये तो फारा का न्यूज है।
चलिए नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट बात किया जाए। IOCL और रेडियो सिटी में ग्रीन पटना अभियान का क्या शुभारंभ, चलिए ये एक नज़र इसको देख लिया जाए। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पे IOCL के ईडी व बिहार राज्य के प्रमुख विभास कुमार ने गो ग्रीन पटना मिशन को लॉन्च किया है। कौन सा मिशन को? तो गो ग्रीन पटना मिशन को लॉन्च किया है। CGM RSND माथुर भी इस मौके पर उपस्थित थे। उन्होंने इको फ्रेंडली उत्पाद XP 95, XP 100 और एक्स्ट्रा ग्रीन को बढ़ावा देने के आपकी अपील की है। IOCL के साथ ही रेडियो सिटी 91.1 FM के साथ संयुक्त रूप से इस 15 दिवसीय मिशन की जो है फुलवारी शरीफ स्थित में फर्स्ट SR पेट्रोल सर्विस की शुरू किया गया है। देख सकते हैं तो कौन सा मिशन है, गो ग्रीन पटना मिशन को लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए यही हम लोग के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, और कुछ नहीं यहाँ पे तो पढ़ आगे देख लिया जाए। 100 जगहों पर जो है पौधारोपण के लिए राज्य कार्यालय और पटना टीम को बधाई दी उन्होंने। इस मौके पर पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार को पंचामृत अभियान को भी चर्चा किया है। एनडी माथुर ने कहा है कि 10% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को स्वीकृति दी गई है। पटना डिविजनल कार्यालय के अनिल सिंह ने गो ग्रीन पटना अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि रेडियो सिटी के इस कार्यक्रम में IOCL का पार्टनर है। कार्यक्रम के दौरान रेडियो सिटी से RJ विजेता व RJ सुरभी भी मौजूद थी। इस दौरान ग्राहकों के बीच IOCL के ब्रांड फ्यूल की भी प्रमोट किया गया। दोस्तों तो देख सकते हैं ये जो है तो आपको कौन सा योजना आपको था तो पता ही, गो ग्रीन पटना मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो भी और न्यूज मिलता है वो कर लिया जाए। आयकर विभाग में आयकर के वीर फुरू सांसद ने CSC लाभुकों को संवाद, 2 वर्षों के बाद खुदा ये तो हम लोग के नए अंतिम पायदान पर इलाज पहुँचाने को खर्च। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बिहार पे जितना भी था वो हम लोगों ने देख लिए हैं, ये पर तो हम लोग ऑलरेडी देख ही चुके हैं। ठीक है, तो फीड पे यदि आप लोग को नेशनल भी चाहिए तो आप लोग मैसेज कीजिए, जरूर कमेंट कीजिए, जो कि हम नेशनल भी लेके आप लोग के लिए आए। चलिए तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू।